So good morning everyone, I am Sandeep Chahande, going to present electrical machines design. So as you know, it is a fifth semester subject which comprises of several machines design. Likewise, in the fourth semester, all of you have studied about the constructional aspects of certain electrical machines, that is the static machines and the rotating machines. As you know, the static machines are the transformer. Likewise, there is only one static machine, and considering the rotating machines, there are two rotating machines. So the first one is the motor and second one is the generator. So in this subject, that is electrical machine design, we have to design several aspects of electrical machines that can be usable and that can be reliable for the conveniency of the industry, of the household purposes, and for certain commercial purposes also. So there are so this is all about the overall aspect of the electrical machine design. So let's get started. So let discuss about the syllabus of the electrical machine design. See, you have 6 units in this subject. So the first unit comprises of, that is the review of material used in construction of electrical machines. मतलब करना क्या है यहाँ पर, जो कुछ भी materials हम use करते हैं construction aspects के लिए, electrical machines को design करने के लिए. अब कोई भी चीज़ अपन बनाते हैं तो उसके लिए हर एक चीज़ का, हर एक constructional aspects का हमको पता रहना ज़रूरी है. जैसे कि आप consider कर लो, एक किर्लोस्कर की motor है और एक दूसरी कोई local motor है, ठीक है. अब किर्लोस्कर वाला जो रहेगा वो हमेशा अच्छे जो कंपोनेंट्स है, जैसे कि मोटर के लिए अपन क्या क्या लगाते हैं, कोर चाहिए, दैट इज द स्टैटिक वी कैन से, दैट इज द स्टेटर पार्ट वी कैन से, ओके. एंड द सेकंड वन इज द वाइंडिंग, ओके. सो वाइंडिंग इज रोटेटिंग इन नेचर, ठीक है. तो उसके लिए जो वाइंडिंग यूज करेगा किर्लोस्कर, दैट मटेरियल इज ऑफ द कॉपर. वही अगर लोकल वाला हम देखते हैं तो लोकल वाले में अपने को एल्यूमिनियम का हो सकता है, वहाँ पे कुछ मटेरियल मिले. वो सिर्फ आपने देखा होगा, ये फ्रॉड भी करते हैं आजकल कि कॉपर का ऊपर से पॉलिश लगा देते हैं और अंदर में वो एल्यूमिनियम का मटेरियल रहता है. मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के ये तरीका है, ठीक है. सो अपने को बेवकूफ़ नहीं बनना है. सो अब देखिए, किर्लोस्कर वाला हमेशा अच्छे मटेरियल यूज़ करेगा, तो एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अपने को ये समझ में आना चाहिए कि कौन से अच्छे कंपोनेंट्स अपन यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन्स को बनाने के लिए, ओके. इलेक्ट्रिकल मशीन बनने के बाद उसकी टेस्टिंग की जाएगी कि जिस तरीके से, चलो मान लीजिए कि 10 KVA का ट्रांसफार्मर बनाना है, तो 10 KVA के ट्रांसफार्मर के को बनाने के लिए अपने को सेवरल कुछ कंपोनेंट्स लगेंगे, ठीक है. तो कंपोनेंट जैसे हो गया कोर हो गया, एंड उसके ऊपर वाइंडिंग अपन प्लेस करेंगे, ठीक है. तो अपन देखेंगे, एज यू नो द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर, दैट इज V1/V2 इक्वल्स टू N1/N2, दैट इज द प्राइमरी वोल्टेज विल डायरेक्टली रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी, एंड सिमिलरली फॉर द सेकेंडरी वोल्टेज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी दैट विल रिप्रेजेंट द सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है. मतलब ये डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है कि प्राइमरी का वोल्टेज नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है. तो उसका रेटिंग जो है वो सैटिस्फाई करने के लिए अपने को नंबर ऑफ टर्न्स भी देखने चाहिए, ठीक है. तो चलो मान लो एक 10 KVA का ट्रांसफार्मर है, दूसरा 10 MVA का ट्रांसफार्मर है, ठीक है. तो दोनों के कंस्ट्रक्शन एस्पेक्ट जो रहेंगे वो थोड़े डिफरेंट रहेंगे. 10 KVA के लिए हो सकता है अपने को छोटा कंस्ट्रक्शन कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल लगाना पड़े, कुछ कॉपर की वाइंडिंग कम लगेंगी, ऑब्वियस है, ठीक है. और वही अगर अब हम बात करते हैं 10 MVA के ट्रांसफार्मर के लिए, तो 10 MVA के ट्रांसफार्मर के लिए अपने को ज़्यादा नंबर ऑफ वाइंडिंग्स लगेंगे, ठीक है. तो ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है. उसके बाद सबसे मेन जो पैरामीटर आता है, सबसे मेन पैरामीटर आता है कॉस्ट का, ठीक है. अब ऐसा नहीं कि चलो अपन कंपनी में कोई एम्प्लॉय है, तो मतलब एक मशीन डिज़ाइन की कुछ कंपनी है, चलो कंसिडर कर लो अगेन किर्लोस्कर है या फिर जनरल इलेक्ट्रिक है, आप उसमें एक एज एन इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर वहाँ पे काम कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए, या फिर कंसिडर कर लो कि आप R&D में हो, तो आपको पता होना चाहिए कि एक कुछ स्पेसिफाइड रेटिंग की मोटर बनाने के लिए, या फिर स्पेसिफाइड रेटिंग का ट्रांसफार्मर या फिर जनरेटर बनाने के लिए अपने को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी,
ठीक है। तो ये सभी जो है अपन इस फर्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ देखेंगे कि मशीन की जो हीटिंग प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि हीट डिसिपेट होती है किसी भी मशीन के अंदर से, तो उसको भी अपन देखेंगे कि वो कैसे डिसिपेट होगी। मैक्सिमम डिसिपेशन करने के लिए जितना हीट प्रोड्यूस होता है उतना ही अगर डिसिपेट हुआ तो ही अपन बोलेंगे कि वहाँ पे इफेक्टिव कूलिंग मैकेनिज्म वहाँ पे ऑकर हो रहा है, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। मतलब एक पोजीशन ऐसी आएगी कि वहाँ पर मोटर जो है ज़्यादा हीट को बियर नहीं कर पाएगी, या फिर जो भी मशीन है वो ज़्यादा हीट को बियर नहीं कर पाएगी, और तभी चल के मोटर हो सकता है उसकी वाइंडिंग डैमेज हो, उसका कोर डैमेज हो, या फिर ओवरऑल मोटर या फिर ओवरऑल ट्रांसफार्मर जो भी मशीन है वो डैमेज हो। ठीक है, तो वो भी एस्पेक्ट अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर जो अपन पढ़ेंगे, एंड कुछ सेवरल एस्पेक्ट्स है, लाइकवाइज सर्टन थ्योरी पोर्शन इज देयर दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, कि कैसे ट्रांसफार्मर के ऑयल अपन यूज कर सकते हैं, मतलब क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जैसे कि प्रॉपर्टी कंसिडर कर लो वो विस्कस कितना होना चाहिए, ओके, उसकी थर्मल कैपेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, उसका जो कोएफिशिएंट बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं, मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो ये सभी चीज़ें अपन इस फर्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट यूनिट अब पूरे सिलेबस में है, पूरे सब्जेक्ट में टोटल 6 यूनिट है, सो ऑब्वियस है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में टोटल 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो फर्स्ट यूनिट का जो पोजीशन रहेगा, फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस का जो पोजीशन रहेगा इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1A एंड क्वेश्चन नंबर 1B, और इसके और में रहेगा क्वेश्चन नंबर 2A एंड क्वेश्चन नंबर 2B, दैट इज फॉर द 13 मार्क्स। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड कि कैसे इसको अपन आगे देखते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज डिजाइन? ओके, सो दिस इज द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ द डिजाइन, that is design is defined as creative physical realization of theoretical concepts. Yeah, obvious design is nothing but, जैसे कि देखो आप लोगों ने बचपन में drawing की होगी, आप लोगों ने बचपन में कुछ projects वगैरह किए होंगे, कुछ चलो मान लो कि nursery में वगैरह कुछ आपने जैसे कुछ house बनाए होंगे thermocol के वगैरह, तो वो thermocol का house बनाने के लिए आपको सबसे पहले design ध्यान में आना चाहिए, मतलब हाउस रहता कैसे है, हाउस दिखता कैसे है। ऐसा नहीं कि घोड़े के तबेले को आप बोल दो कि ये हाउस है और आपका उसने मॉडल बना लिया, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जो एक्चुअली होता है, जैसे कि अभी एग्जांपल मैंने दिया कि जो हाउस अगर बनाना है तो उसका अपने को फिजिकल रियलाइजेशन होना चाहिए कि उसको किस तरीके से अपन थियोरेटिकल कंसेप्ट को किस तरीके से उसको फिजिकली रियलाइज कर सकते हैं, कैसे उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट अपने को इम्प्लीमेंट करना है इन केस ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन, कि कैसे जो भी कंसेप्ट आज तक आप लोगों ने पढ़े हैं, जैसे कि मशीन वन में ऑब्वियस है आप लोगों ने पढ़े होंगे कि कैसे क्या EMF क्या होता है, क्या MMF होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ RMF दैट इज द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो कैसे जनरेट होती है। ठीक है, उसके बाद मोटर के एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, कौन सा लॉ लगता है, राइट हैंड लगता है, लेफ्ट हैंड लगता है, ओके, जनरेटर में कौन सा लॉ लगता है, राइट हैंड लगता है, लेफ्ट हैंड लगता है, ट्रांसफार्मर को कौन सी मशीन बोली जाती है, ओके, वहाँ पे EMF जो इंड्यूस होता है वो स्टैटिकली होता है या फिर डायनामिकली होता है, ये सभी कंसेप्ट अपने को ध्यान में रख के सब कुछ डिज़ाइन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप चलो मान लो कि ट्रांसफार्मर तो स्टैटिक मोटर है तो वहाँ पे कुछ रोटेटिंग पार्ट है नहीं, ठीक है, तो वाइंडिंग भी स्टैटिक है, उसका कोर भी स्टैटिक है, तो वहाँ पे जो EMF इंड्यूस होगा दैट इज नथिंग बट स्टैटिकली इंड्यूस EMF जिसको बोलते हैं। तो इसके जो ट्रांसफार्मर के कंसेप्ट है वो अपन जनरेटर या फिर मोटर में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर मोटर को या फिर पर्टिकुलर मशीन को डिज़ाइन करने के लिए अपने को जो भी कंसेप्ट है उसके थियोरेटिकल कंसेप्ट है वो पहले पढ़ने चाहिए, वो पहले अपने को ध्यान में रखने चाहिए, पूरा समझने के बाद उसको देन अपन इम्प्लीमेंट करेंगे उसका फिजिकल रियलाइजेशन करने के लिए। ओके, नाउ दैट इज द इंजीनियरिंग डिज़ाइन इज एप्लीकेशन ऑफ साइंस ऑब्वियसली, एंड द टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशन टू प्रोड्यूस मशीन्स टू परफॉर्म स्पेसिफाइड टास्क विथ ऑप्टिमम इकोनॉमी एंड इफिशियंसी। डेफिनेटली डेफिनेटली, सो सी वॉट इज इंजीनियरिंग डिज़ाइन इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ साइंस। ओके, जितना भी अब ऐसा नहीं है कि साइंस अगर बोला गया है आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप लोगों ने जो स्ट्रीम जो सिलेक्ट किया है दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोई कॉमर्स का स्टूडेंट या फिर BA का स्टूडेंट तो नहीं कर सकता, अब किसी इंजीनियर ही करेगा ना, मोटर को अगर डिज़ाइन करना है, मशीन को डिज़ाइन करना है तो वो कोई आर्ट्स का स्टूडेंट या फिर कॉमर्स का स्टूडेंट तो करेगा नहीं,
तो उसके लिए आपको साइंस की भी परख होनी चाहिए, जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका भी आपको ध्यान में रखकर जो कुछ भी इन्वेंशंस हो रहे हैं ऑल ओवर दी फील्ड जिसको बोलेंगे अपन, उसको ध्यान में रख के सब कुछ अपन एक मोटर या फिर मशीन डिज़ाइन करके उसको कम से कम पैसे में और ज़्यादा से ज़्यादा इफिशेंसी देने के लिए कैसे उसको बना सकते हैं, ये सभी एस्पेक्ट्स अपने को ध्यान में रखना है वाइल डिज़ाइनिंग एनी इलेक्ट्रिकल मशीन। ओके, नाउ नेक्स्ट, सो देर आर सेवरल मेजर कंसिडरेशंस इन डिज़ाइन, सो लेट अस सी व्हाट आर दी कंसेप्ट्स, दैट इज द फर्स्ट वन इज द रिलायबिलिटी एंड दैट इज नथिंग बट ए ड्यूरेबिलिटी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी, रिलायबल, ठीक है। अब रिलायबल क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, अभी तक आप लोगों का जो खर्चा है बचपन से लेके अभी तक जो है वो आप खुद के पैसों से कुछ कर रहे हो या फिर अपने मम्मी पापा के पैसों के ऊपर आप जितना भी एजुकेशन लिया है, जितना भी आप कुछ कर रहे हो वो सब आप रिलायबल हो मम्मी पापा के ऊपर, ठीक है। चलो इंजीनियरिंग ख़त्म होने के बाद तो आप खुद के लिए रिलायबल हो जाओगे, बट अभी जो है, अभी जो सिचुएशन है, दैट सिचुएशन ऑफ द रिलायबिलिटी, यू आर रिलायबल ऑन योर पेरेंट्स। ओके, सो जैसा कि देखो, अब मम्मी पापा के ऊपर रिलायबल रहना मतलब तो अच्छी बात है, ओके, ठीक है, फाइन, बट एक सर्टन लिमिट तक। ओके, नाउ उसके बाद आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मशीन का जो अपन देखेंगे, परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने अच्छी कुछ पैसा लगा के, ज़्यादा पैसा लगा के कुछ परफॉर्मेंस जो है मोटर का वो अपने को कम मिल रहा है, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा उस सिचुएशन को। ओके, जैसा कि आपने नासा के कुछ प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, जैसे कि अपोलो मिशन था, अपोलो 11, अपोलो 10, अपोलो 9, तो अपोलो 10 तक जो मिशन था, मतलब मून लैंडिंग का जो मिशन था, वो अपोलो 10 तक अनसक्सेसफुल रहा। मतलब नासा ने तो बहुत पैसा लगाया, ओके, उतना पैसा लगाने के बाद भी उनको उतना परफॉर्मेंस नहीं मिला। ओके, मतलब जो एस्केप वेलोसिटी होती है, एक आपको बता रहा हूँ, एक एस्केप वेलोसिटी और रॉकेट की, वो उनने अचीव नहीं कर पाई, तभी चल के वो अर्थ के सरफेस के बाहर वो नहीं जा पाए। ओके, देन अपोलो 11 में कुछ उन्होंने अच्छा किया होगा, देन चल के वो उस एस्केप वेलोसिटी को उन्होंने अचीव किया, देन अचीव करने के बाद उनका परफॉर्मेंस जो था, ओके, उनका परफॉर्मेंस अच्छा मिला। मतलब होता क्या है, एक्चुअली इंसान जो सीखता है वो अपनी गलतियों से ही सीखता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, मशीन डिज़ाइन करने के लिए अपन देखेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड जिसको बोलते हैं, कि ये नहीं हुआ तो ये लगाना पड़ेगा, ये नहीं हुआ तो ये लगाना पड़ेगा। ओके, थॉमस अल्वा एडिसन का एग्जांपल पता होगा आपको, थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या किया था, किसका इन्वेंशन, दैट इज इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने 999 टाइम्स परफॉर्मेंस करके देखा, ओके, बट जब आखिरी परफॉर्मेंस उन्होंने किया, दैट इज द 1000 टाइम, ओके, तब चल के उनको आउटपुट मिला। तो उन्होंने कहा था कि आई हैवंट फेल्ड, आई हैव लर्न समथिंग फ्रॉम माई प्रीवियस मिस्टेक्स। ओके, तो जितना भी यार परफॉर्मेंस करोगे आप, ठीक है, लाइकवाइज मोटर डिज़ाइन करने के लिए, ओके, तो उसके परफॉर्मेंस अपन घड़ी घड़ी उसको चेक करते जाएंगे ताकि अपने को अच्छा परफॉर्मेंस मिले, क्योंकि अपन कॉस्टिंग भी लगा रहे हैं। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट जो आता है, नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे अपन, दैट इज द कॉस्ट। जितना कॉस्ट अपन लगा रहे हैं उसका अपने को रिटर्न भी तो मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ 2000 रुपये की मोटर ले ली, दैट इज 0.5 HP की, मतलब आधे HP की अगर मोटर लेते हो तो उसका परफॉर्मेंस, चलो मान लो कि उसका जो परफॉर्मेंस है, मतलब वो पानी को नीचे से लेके थर्ड फ्लोर तक ले जाने की उसकी कैपेबिलिटी है, ठीक है। अगर आपने मोटर ला लिए, किर्लोस्कर का लाओगे तो ऑब्वियस वो करेगा, ऊपर ले जाएगा, थर्ड फ्लोर तक वो ले जाएगा पानी को। बट वही अगर आप लोकल लाते हो तो कुछ दिनों के लिए ले जाएगा, बट कुछ, चलो मान लो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उसका परफॉर्मेंस डिग्रेड होते जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, एक कॉस्टिंग का भी एस्पेक्ट अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, कि जितना अपन कॉस्ट लगाते हैं तो अपने को चीज़ भी अच्छी मिले। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द कंप्लायंस विद द स्पेसिफिकेशन। नाउ कंप्लायंस इज नथिंग बट दैट इज द मराठी में उसका वर्ड है, दैट इज द अनुपालन जिसको बोलते हैं, कंप्लायंस विद स्पेसिफिकेशन। मतलब जितना भी अपन स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाई करते हैं किसी की मोटर को, मतलब स्पेसिफिकेशन मतलब 1 HP की मोटर है, 3 HP की मोटर है,
ठीक है, उसके बाद उसका देखा जाएगा उसको फ्रीक्वेंसी कितना लग रहा है। अपने इंडिया में ऑब्वियस है 50 हर्ट्स अपन रेटेड उसको करते हैं, बट कम ज़्यादा कितना होना चाहिए, उसका टॉलरेंस कितना होना चाहिए, उसके बाद जो भी वाइंडिंग के पैरामीटर्स है वो कैसे रहने चाहिए, ठीक है, आर वाई भी होना चाहिए सिक्वेंस या फिर वाई बी आर होना चाहिए। तो ये जो सिक्वेंस है या जो भी स्पेसिफिकेशन है उसको अपन कंप्लायंस करेंगे, उसका अनुपालन करेंगे। अगर नहीं किए किसी भी एक कंप्लायंस को अगर अपन नहीं कर स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो उसके चलते क्या होगा, मोटर का डिग्रेडेशन होगा, मोटर का जो परफॉर्मेंस है, मोटर की जो इफिशियंसी है, या फिर मैं यहाँ पे मोटर ज़्यादा बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर मुझे मशीन्स बोलना चाहिए, इलेक्ट्रिकल मशीन्स जो रहेगी उसका जो स्पेसिफिकेशन अपन अगर कंप्लायंस नहीं करते तो उसका डिग्रेडेशन होगा। ओके, उसका डिग्रेडेशन होने के बाद जितना अपने को परफॉर्मेंस मिलना चाहिए वो अपने को नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये सभी जो चारों चीज़ें हैं, ये चारों चीज़ें डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर, दैट इज द रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, कॉस्ट एंड कंप्लायंस विद द स्पेसिफिकेशन। ओके, इसको अपन डिटेल में एक से एक करके पढ़ते जाएंगे। ओके, जैसे जैसे अपन प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे अपने को ये इसके सभी पैरामीटर्स वो ध्यान में रखेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट, दैट इज द इलेक्ट्रिकल मशीन्स। एज यू नो देर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, दैट इज द स्टैटिक मशीन्स एंड रोटेटिंग मशीन। सो द स्टैटिक मशीन्स एक ही मशीन है, दैट इज द ट्रांसफॉर्मर्स, एंड रोटेटिंग मशीन्स में दो मशीन आएंगी, जनरेटर्स एंड मोटर्स। अब जनरेटर में दो हो सकते हैं, मतलब एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर, एंड मोटर्स में भी दो मोटर्स रहेंगे, दैट इज द एसी मोटर एंड डीसी मोटर। तो इनके कंस्ट्रक्शनल एस्पेक्ट्स जो है, इसके कंप्लायंस जो है, मतलब इसके जो अनुपालन करेंगे अपन, मतलब एसी मोटर को अपन डीसी मोटर नहीं कंसिडर कर सकते हैं, या फिर एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर नहीं कर सकते। अब एसी जनरेटर बना है तो उसके कंस्ट्रक्शनल एस्पेक्ट, उसका जो कंप्लायंस रहेगा वो उसी के हिसाब से रहेगा। वही रही बात डीसी की, मतलब डीसी जनरेटर या फिर डीसी मोटर की, तो उसके कंप्लायंस जो रहेंगे, उसका जो कंस्ट्रक्शनल एस्पेक्ट रहेगा वो उसी के हिसाब से रहेगा। ठीक है, नाउ वी हैव द कन्वर्जन इन एनी इलेक्ट्रिकल मशीन टेक प्लेस थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिकल मशीन्स विच रिक्वायर कोर एंड वाइंडिंग। ऑब्वियस यहाँ पर देखो होता क्या है, फैराडेज के बेसिक लॉ आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज किसी भी कंडक्टर को आप एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो उसके ऊपर कुछ फोर्स एग्जर्ट होता है, दैट इज नथिंग बट द EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको बोला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद वहाँ पे कुछ मूवमेंट होगा, उस मूवमेंट होने के बाद क्या होगा, मतलब कंडक्टर का मूवमेंट होगा, मतलब यहाँ पे देखो दो कंडीशंस आएगी, एक तो आप कंडक्टर को मूव कर सकते हो, ठीक है, वाइल्ड कीपिंग द मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी, या फिर इसका वाइस वर्सा, आप मैग्नेटिक फील्ड को, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स या फिर जो भी परमानेंट मैग्नेट्स है उसको मूव कर सकते हो वाइल्ड कीपिंग द कंडक्टर स्टेशनरी। ओके, जो भी मेन आपका कंडक्टर रहेगा उसको स्टेशनरी रख के आप मैग्नेटिक फील्ड को, दैट इज मैग्नेट्स को मूव कर सकते हो। अगर दोनों को स्टैटिक रखोगे तो कुछ नहीं होगा, अगर दोनों को एक ही स्पीड से रोटेट कराओगे फिर भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक स्टैटिक होना चाहिए और दूसरा रोटेट होना चाहिए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, उसके लिए अपने को चाहिए कोर एंड वाइंडिंग। अब कोर के ऊपर ही अपन वाइंडिंग प्लेस करते हैं, आप मोटर कंसिडर कर लो, जनरेटर कंसिडर कर लो, या फिर ट्रांसफार्मर कंसिडर कर लो। ठीक है, कोर के ऊपर अपन वाइंडिंग प्लेस करते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या होगा, जैसे ही अपन कुछ करंट दौड़ाएंगे या फिर जनरेटर के केस में अपन जो शाफ्ट रहेगा उसको रोटेट करेंगे तो वहाँ पे कुछ ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वहाँ पे जनरेट होगा, और साथ ही साथ उसके बाद कुछ मैग्नेटोमोटिव फोर्स जनरेट होगा। अब जितना करंट का, अब देखो यहाँ पे एक रिलेशन आता है, जितना आप करंट बढ़ाओगे उतना आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली जितना आप करंट बढ़ाने के बाद जितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिल रहा है उसके बाद आपको मैग्नेटोमोटिव फोर्स भी मिलेगा, बट मैग्नेटोमोटिव फोर्स रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को। मतलब जितना ज़्यादा EMF रहेगा उतना ज़्यादा करंट रहेगा, जितना ज़्यादा इंड्यूस करंट की बात कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा करंट रहेगा उतना ज़्यादा MMF रहेगा, दैट इज द मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक मोटिव फोर्स रहेगा उतना ज़्यादा आपको, उतना ज़्यादा आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ रहेगी। स्ट्रेंथ मतलब पता है ना क्या होता है, स्ट्रेंथ इज नथिंग बट द इंटेंसिटी वी कैन से। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज द डिजाइन फैक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो क्या क्या होते हैं, लेट अस सी। सो देर आर सर्टन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, दैट इज रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ओके, सो द फर्स्ट वन इज द मैग्नेटिक सर्किट, सेकंड इलेक्ट्रिक सर्किट, थर्ड डाइलेक्ट्रिक सर्किट,
fourth thermal circuit, and fifth mechanical certain parts are there. Okay, so here we can have the first one is the magnetic circuit. तो magnetic circuit के लिए क्या क्या चाहिए अपने को देखो. मैग्नेटिक सर्किट जो प्रोड्यूस होगा दैट इज बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज इंड्यूस इन द मैग्नेटिक फील्ड वी कैन से ओके. अब उसमें एयर गैप भी रहेगा. अब देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए अपने को कुछ मीडियम चाहिए होता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने के लिए अपने को कुछ मीडियम चाहिए, उसको फ्लो कराने के लिए भी मीडियम चाहिए. मीडियम इन द सेंस अपने को कंडक्टर चाहिए. ओके, आप हवा में से कंडक्ट दैट इज करंट को आप हवा में से करंट को आप फ्लो नहीं करा सकते हो. ओके, और रही बात सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, और रही बात मैग्नेटिक फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपको मीडियम चाहिए होगा, बट उसको फ्लो कराने के लिए इट इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन. ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स एयर गैप में से भी फ्लो होगा, बट आप जितना जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे उतना उसका इंटेंसिटी जो है, मतलब अब देखो ये दो मैग्नेट्स है, ये नॉर्थ है ये साउथ है. अब नॉर्थ में से ऑब्वियस है, नॉर्थ में से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स जाएंगी. ठीक है, अब जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा वहाँ पे, जितना कम एयर गैप रहेगा उतना ज़्यादा वहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी. बट जैसे ही आप धीरे 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 उसका एयर गैप बढ़ाओगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आप बढ़ाने के बाद वहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स की इंटेंसिटी पहले जितनी थी अभी उतनी नहीं रहेगी. ओके, अगेन मैग्नेटिक सर्किट में आते हैं स्टेटर्स एंड रोटर टीथ. टीथ मतलब आप लोगों ने गियर्स देखे होंगे, जो कुछ गाड़ी के वगैरह गियर्स होते हैं, तो उसी की तरह वहाँ पे स्टेटर एंड रोटर टीथ होते हैं जो एक दूसरे में फंसते जाते हैं. दोज गेट का लाइकवाइज. ओके, इसकी वजह से क्या होता है, सर्टन वहाँ पे मूवमेंट आता है. ओके, एंड उसके बाद आते हैं स्टेटर एंड रोटर कोर्स. अब कोर को योक्स भी कहा जाता है. ठीक है, अब अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे कि ये होते क्या है, स्टेटर के एंड रोटर के कोर और योक्स होते क्या है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट. ओके, सो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, स्टेटर एंड रोटर वाइंडिंग्स होंगे, ऑब्वियस है. अब वाइंडिंग्स की बात करें तो वाइंडिंग्स इज नथिंग बट कंडक्टर. ठीक है, अब ज़्यादा इफिशेंसी देने के लिए अपन कॉपर के कंडक्टर्स यूज करते हैं. ठीक है, अब आपको पता होगा एक रिलेशन, दैट इज द रेजिस्टेंस और करंट का इन रिलेशन पता होगा. जितना ज़्यादा लेंथ रहेगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा. किसका लेंथ, एक्चुअली कंडक्टर का, कॉपर के वायर का. ओके, बट जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा उतना कम उसका रेजिस्टेंस रहेगा. दैट इज द रिलेशन, दैट इज आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया. ओके, उसके बाद आते हैं वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर. दैट इज द रोटेटिंग मशीन कन्वर्ट्स एनर्जी एंड इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ EMF एंड डेवलपमेंट ऑफ EMF. ऑब्वियसली जैसे कि मैंने पहले बताया था कि EMF जो प्रोड्यूस होगा दैट इज बिकॉज ऑफ द इंड्यूस करंट. ओके, और उसके बाद जो EMF प्रोड्यूस कराएगा किसको, मैग्नेटोमोटिव फोर्स को. तो ये EMF आएगा इलेक्ट्रिक सर्किट में और MMF आएगा मैग्नेटिक सर्किट में. ठीक है, अब ये जितने भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं दोज आर नॉट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल. ओके, दोज आर नॉट पर्टिकुलर इन इलेक्ट्रिकल इन एस्पेक्ट्स, इन इलेक्ट्रिकल इन नेचर नॉर इन द मैग्नेटिक नेचर. ओके, दोज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट्स, इसलिए उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट्स. ओके, तो उसके बाद देखेंगे कि वाइंडिंग्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सुटेबली इंसुलेटेड कंडक्टर्स. ऑब्वियसली जितना भी आप कंडक्टर्स वहाँ पे प्लेस करोगे, चाहे वो ट्रांसफार्मर रहे या फिर रोटेटिंग मशीन्स रहे, जितना भी आप कंडक्टर्स प्लेस करोगे उसके ऊपर आपको कुछ इंसुलेशन प्रोवाइड करने होंगे. अगर इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वहाँ पे आपको पता होगा क्या होगा. ओके, देयर विल बी द चांसेस ऑफ सर्टन शॉर्ट सर्किट. तो पूरा का पूरा वाइंडिंग, पूरा का पूरा मोटर और साथ ही साथ जितने भी उसके साथ कुछ सर्किटरी रहेगी वो पूरी की पूरी जल जाएगी. ओके, नाउ द थर्ड इज द डाइलेक्ट्रिक सर्किट. अब डाइलेक्ट्रिक का मीनिंग क्या होता है, आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ सिंपल सा, दैट इज द कैपेसिटर. अब कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट्स होती है और दो प्लेट्स के बीच में एक कुछ इंसुलेटिंग मीडियम वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है. इंसुलेटिंग नहीं बोलेंगे उसको, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसको बोला जाता है. ओके, तो क्या होता है एक्चुअली, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर को सेपरेट करने के लिए
पूरी तरीके से आइसोलेट करने के लिए नहीं, पूरी तरीके से इंसुलेट करने के लिए नहीं, टू आइसोलेट वन कंडक्टर फ्रॉम अनादर कंडक्टर एंड ऑल्सो दी वाइंडिंग्स फ्रॉम दी कोर वी रिक्वायर सर्टन डाइलेक्ट्रिक सर्किट, डाइलेक्ट्रिक मीडियम अपने को वहां पे लगाने पड़ते हैं, ठीक है। अब कंफ्यूज ना हो, डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेशन इसमें बहुत फर्क है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक का मीनिंग होता है एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से सिर्फ आइसोलेट कर रहे हैं अपन, ठीक है, आइसोलेट कर रहे हैं, मतलब वो जंप वहां पे। अब कैपेसिटर का एग्जांपल ले लो, ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, बीच में कुछ मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगा दिया है, ठीक है, तो हो सकता है वहां पे इसके पॉजिटिव चार्जेस इसके नेगेटिव चार्जेस के ऊपर जा पाए। जैसे ही अपन वो कुछ निकालते हैं, मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम वहां से अपन निकाल लेंगे, तो वहां पे कुछ ओवरऑल चार्ज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो रही बात इंसुलेटिंग मीडियम की, तो इंसुलेटिंग मीडियम ऐसा नहीं होता, इंसुलेटिंग मीडियम पूरा का पूरा टोटली उसको आइसोलेट कर देता है, पूरा का पूरा इंसुलेट कर देता है, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज द थर्मल सर्किट, ओके। सो द मोड एंड मीडिया फॉर डिसिपेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस इनसाइड द मशीन ऑन अकाउंट ऑफ लॉसेज, ऑब्वियसली। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, आप लोगों ने गाड़ी का इंजन देखा होगा, ठीक है। अब गाड़ी के इंजन में कुछ ऐसे फिन्स होते हैं, मतलब उसका कुछ ऐसा सेपरेट जो एक ब्लॉक होता है इंजन का, वो पूरा का पूरा एक ऐसा जैसे अपन बोलते हैं एक बॉक्स की तरह नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे कुछ ऐसे इंसुलेटिंग मीडियम जैसे कि मतलब कुछ ऐसे स्टेप्स बने होते हैं, ठीक है। तो स्टेप्स क्यों बनाए होंगे वहाँ पे, वो स्टेप्स बना इसलिए जाता है कि जितना भी अंदर में कुछ मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि पिस्टन मूवमेंट करता है, ठीक है, तो उसकी वजह से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब जितना ज़्यादा अंदर में हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, अब उतना ही हीट अगर डिसिपेट भी हो तब चल के अपन बोलेंगे कि वहाँ पे अच्छा थर्मल मेंटेनेंस हुआ है, ठीक है, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर वहाँ पे मेंटेन हो रहा है, ठीक है। अब चलो मान लो कि वहाँ पे मैंने सरफेस एरिया अगर बढ़ाया नहीं, किसी भी मोटर का अगर सरफेस एरिया अगर बढ़ा दे, किसी भी मशीन का अगर सरफेस एरिया बढ़ाते, तो ऑब्वियस है कि जितना अंदर में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो उतना सरफेस एरिया में वो फैलेगा, उतना सरफेस एरिया से वो डिसिपेट होगा, मतलब यहाँ पे एक थर्मल सर्किट अपने को बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब मोटर्स भी देखे होंगे आपने, हाई रेटिंग के मोटर्स, वहाँ पे भी कुछ ऐसे फिन्स होते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर ही देखा होगा, बड़े से बड़े ट्रांसफार्मर आपने देखे होंगे, तो ट्रांसफार्मर पर भी क्या होता है, साइड में दो इंसुलेटिंग दैट इज द कंडक्टिंग कुछ प्लेट्स लगाई जाती है, दो प्लेट्स आर नथिंग बट दी ऑयल सर्कुलेटिंग प्लेयर जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ट्रांसफार्मर को ठंडा रखते हैं, मतलब अंदर में जितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है उतने ही रैपिडली वो बाहर निकलेगा, तभी चल के अपन उसको ठंडा रख पाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब रेट ऑफ हीट जनरेशन इज नॉट इक्वल टू द रेट ऑफ हीट डिसिपेशन, तो क्या होगा, अंदर ही अंदर में हीट बढ़ते जाएगा, प्रोड्यूस होते जाएगा, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उस हीट की वजह से पूरा का पूरा मोटर, पूरा का पूरा जनरेटर या फिर पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर जल जाएगा, ठीक है। तो थर्मल सर्किट भी अपने को यहाँ पे डिजाइन करनी पड़ेंगी, ठीक है। और एंड द लास्ट वन इज द मैकेनिकल पार्ट्स, द मैकेनिकल पार्ट्स जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, ये तो अपने को ट्रांसफार्मर में मैकेनिकल पार्ट्स कुछ ज़्यादा लगते नहीं है, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ कोर लगेगा और वाइंडिंग लगेगी, जो मेन जिसको एक्टिव पार्ट जिसको बोलेंगे अपन ट्रांसफार्मर के, ठीक है। बाकी तो सेवरल एस्पेक्ट्स तो लगते हैं, सेवरल कुछ कंस्ट्रक्शन एस्पेक्ट्स है वहाँ पे, जैसे कि ऑयल टैंक हो गया, देन कंजर्वेटर टैंक हो गया, ठीक है। तो ये सभी अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे, उसको डिज़ाइन कैसे करते हैं ये सभी अपन जैसे पढ़ेंगे, जैसे ट्रांसफार्मर का कुछ ये लगेगा, मतलब ट्रांसफार्मर का यूनिट जैसे शुरू हो जाएगा, ट्रांसफार्मर का यूनिट सेकंड एंड थर्ड यूनिट है, ठीक है, तो उसको अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है मैकेनिकल पार्ट, दैट इज द फ्रेम बियरिंग्स एंड शाफ्ट। ये फ्रेम कहाँ पे लगेगा, फ्रेम लगेगा अपने को एक कुछ मोटर डिजाइन करनी है, ठीक है, एक 5 HP की मोटर है और एक 10 HP की मोटर है, तो 5 HP की ऑब्वियस है छोटी रहेगी मोटर, मतलब साइज में, ठीक है, उसका फ्रेम साइज छोटा रहेगा। वही अगर 10 HP की बात करते हैं तो 10 HP का फ्रेम साइज वो बड़ा रहेगा, ठीक है। तो अपने को उस HP को, उस रेटिंग को सेटिस्फाई करने के लिए एक अपने को फ्रेम डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आएगा बियरिंग्स, ठीक है। अब बियरिंग्स तो अपने को पता है बियरिंग्स क्यों लगाते हैं, कि मतलब जो शाफ्ट होता है शाफ्ट को स्मूथली रोटेट कराने के लिए अपने को बियरिंग लगा, मतलब वियर एंड टीयर लॉसेज जो उसको कम कराने के लिए अपन वहां पे बियरिंग्स लगाते हैं, ठीक है। एंड दी लास्ट वन इज दी शाफ्ट, शाफ्ट अपने को पता है क्या होता है, शाफ्ट को अपन मूवमेंट कराते हैं मोटर में, उसको इलेक्ट्रिकल
उसको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है और वो मैकेनिकली अपने को कुछ आउटपुट देता है। वाइस वर्सा इसका होता है जनरेटर में, अपन शाफ्ट को कुछ मैकेनिकल इनपुट देते हैं और वो अपने को इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज एन आउटपुट देता है, ठीक है। सो दिस आर नथिंग बट सर्टन कंस्ट्रक्शनल एस्पेक्ट्स एंड सर्टन कंसिडरेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन वाइल डिज़ाइनिंग। ये सभी एस्पेक्ट अपने को ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद का लेक्चर नेक्स्ट इसमें अपन डिस्कस करते हैं इसके। ओके, थैंक यू। आई होप सबको समझ में आया होगा। किसी को कुछ डाउट रहा तो प्लीज़ आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, फाइन।